न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तरी पश्चिमी सीट से राजेश निलोठिया को, जो आज कांग्रेस का एक सम्मानित प्रोग्राम रखा गया जिसमें मीडिया कर्मियों को भी बुलाया गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि राजेश निलोठिया ने कैमरे बंद करवा दिए और कहा, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि लोग कांग्रेस की बुराई कर रहे थे, कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं वो काम सही नहीं करते और मौखिक काम नहीं करते, इस वजह से उसकी बुराई कर रहे थे, तो मीडिया के कैमरे बंद करवाए गए और मीडिया को बाहर को जाने के लिए बोला गया। देखिए एक खास रिपोर्ट रफ्तार न्यूज़ चैनल पर, जो हम आपको आज दिखा रहे हैं। दिल्ली के नरेला विधानसभा में अलीपुर के पास कांग्रेस का धन्यवाद सम्मेलन रखा गया था, जिसमें काफ़ी लोग आए और काफ़ी लोगों ने अपनी राय को भी रखा। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत थी, उन्होंने अपनी सच्चाई बयां कर दी और कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम नहीं किया, कार्यकर्ताओं को तो कुछ नहीं बताया। तो उसी वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। तभी राजेश लिलोठिया, उत्तरी पश्चिम लोकसभा के प्रत्याशी राजेश लिलोठिया ने AY मीडिया के संपादक को कैमरा बंद करने के लिए बोला और कहा कि आपको यहाँ किसने बुलाया है, आपने कैमरा क्यों चलाया। इस तरह की भाषा का पत्रकारों के साथ की गई। और हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी वैसे तो कहती है कि हम सही काम करते हैं, आपको जो हम दिखा रहे हैं आप खुद भी देखकर आप सोच मानेंगे कि एक मीडिया कर्मी को कैमरा बंद करने के लिए कहने वाला कांग्रेस का नेता है। जो हम आपको दिखा रहे हैं वो इसलिए कहा गया क्योंकि देश के सामने कांग्रेस की सच्चाई उजागर ना हो जाए कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वह देश के सामने ना चले जाएं। अब यह तो देखने वाली बात है कि इन पर जो कांग्रेस के आला कमान बैठे हुए हैं वे क्या एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्या राजेश लिलोठिया को ऐसा करना था? आप देखें जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी भी सुन लीजिए, पूरी खबर देखें। वर्तन में ऐसा जोश था कि हम जीत करके जाएंगे, मगर ये बड़ी प्लान थी। एक एक सीट को इन्होंने देखा है और ऐसे ऐसे जिद्दत हार गए जो कभी आज तक हारे नहीं। और पहले कहते थे भाई सारी की सारी सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी, मगर ये जो कुछ हुआ है ये सारा मोदी ने और बीजेपी पार्टी ने किया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये मायूस होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो सिपाही हैं ये बहुत मजबूत हैं, आपके लिए काम किया है, आगे भी आपके लिए काम करेंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं आगे भी टिकट लेकर जाओ। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि सिपाही जो है इन्होंने काम किया है, ठीक है, दुख होता है अनेक साथी को, हमें भी तकलीफ हुई कि जब आप चुनाव हारे, मगर कोई भी किसी को ब्लेम दे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। ये कांग्रेस के सिपाही बैठे हैं यहाँ, इन्होंने मदद करी है और इन्होंने मदद करी, बड़े नेताओं की कमी रही है इस चुनाव में, खुलते काम कर से बड़े नेताओं ने काम नहीं किया है, कार्यकर्ताओं ने काम किया है। भाई साहब मैं संगठन की बात कर रहा था, आंध्र प्रदेश का चुनाव था, एक 46 साल का जगनमोहन रेड्डी अपनी सारी सीटें जीत लाया, सारा विधानसभा में 3/4 बहुमत जीता, तो संगठन था उसके पास। भाई साहब आपसे सबसे पहली मांग इस मंच से यह है कि यहाँ का पूरा संगठन बदला जाना चाहिए। दोनों जिला अध्यक्षों को बदलिए, हर संगठन के पुकारणी संगठन को बदलिए। और जो बड़ा कांग्रेस का अध्यक्ष है वो काम कर रहा है, उससे इसको बुलाकर पूछिए, उसको बदलने से पहले उसको पूछिए, भाई 6 महीने बाद 8 महीने बाद फिर चुनाव हो रहा है, आपकी क्या इच्छा है, आप काम संभाल पाओगे, कोई तकलीफ है तो बता दो। ब्लॉक अध्यक्ष बेचारा हर जगह पीसता है, होल्डिंग में लगाता है, बस में भरता है, प्रदर्शन में जाता है, घर छोड़ता है, पैसा खर्च करता है, आप उससे तो बुलाकर पूछिए कि उसका क्या आगे रहेगा। लेकिन जिला अध्यक्षों का तत्काल बदल रहा है, दोनों जिला अध्यक्षों का बदल जाना चाहिए, हर संगठन का जिला अध्यक्ष बदल जाना चाहिए। और संगठन को मजबूत कीजिए, राजेश लिलोठिया चुनाव नहीं आ रहा है, बड़े नेता चुनाव हारे होंगे, कार्यकर्ता चुनाव नहीं आ रहे, बड़े नेता चुनाव हारे होंगे, हम चुनाव नहीं हारे। मैं आपसे पूछता हूँ उस मन से, जब आप अपना खुद का चुनाव लड़ते थे क्या कभी ऐसे रहते थे, जब कहीं पर बूथ नहीं है, कहीं पर कोई टेबल नहीं लगी है, कहीं पर कोई बूथ एजेंट नहीं बैठा है,
तब तो ऐसा नहीं होता था, तब तो आपका पूरा परिवार भागता था, सब लोग जाते थे, मीटिंग करते थे, बूथ को भी संभालते थे, अंदर सबको बैठाते थे, 6 बजे ही जम जाते थे, लेकिन 12 बजे तक टेबल नहीं लगी। ये किसकी जिम्मेदारी थी? जो बस्ता लेकर गए भाई, मेरे पास तो 6 नहीं है, 27 साल से कांग्रेस का काम कर रहे, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हमें आज पार्टी से निकाल दो, आवाज उठा रहा हूँ, पार्टी का कांग्रेस से समर्थक बनकर काम करता रहूंगा। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर प्रदीप चौधरी के नाम से आप पोस्ट पढ़ते रहिए, मैं खूब देखता हूँ, लेता रहा, किसी बात की चिंता नहीं है। बस अंत में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ भाई साहब। देखिए, ये तो नगर निगम है ना, ये नगर निगम सभी तो राजनीतिक दलों ने इसलिए बनाई है कि जो आप सब बैठे हुए हो ना, ये यूं लगे रहे झंडा उठा रहे हैं, कभी मेरा भी नंबर लग जाएगा, इनके लिए वोट मांगते रहोगे, इनके सम्मानित मंच बैठा है, अगर इनके लिए वोट मांगते रहेंगे सम्मानित मंच के लिए, अगर कभी उसको टिकट दे दें, कभी उसको दे दें, कभी इसको दे दें, भाई टिकट दो जिसका हक बनता है। ये टिकट का हमें पता लगता है यार, ये फला आदमी का नजदीकी था, ये उसका रिश्तेदार था, इसलिए टिकट मिली, या इसकी जेब में माल था उसको टिकट मिल जाती है। कोई हमें यूं नहीं पता लगता कि ये मेहनती आदमी है, फील्ड में काम करने वाला, कांग्रेस के लिए मरता है, इसने अपना जिंदगी खपा दी, इसको टिकट दिया जाए, ऐसा नहीं होता। कभी बर्बाद करके रख दिया है नेताओं ने, और हालात क्या है, हालात क्या है, लड़ूंगा मैं, लड़ूंगा हारूंगा जी, तो कोई बात नहीं, मेरी इस विधानसभा में गिरफ्त रहने चाहिए, बस हारू जीतू मैं, कोई नहीं भरेगा, टिकट मिलेगा मैं लड़ूंगा, नहीं तो कोई जीता उसको हराऊंगा, ये हालात है। हम आप मर जाते और बड़े नेताओं की आपस में भूख चलता रहता, प्यार चलता रहता, हमारे को तो कोई गली में दूसरी पार्टी का आता है, तीसरी पार्टी का आता है, हम उनसे भिड़ते हैं, हमारा मान सम्मान भी घटता है, कोई भला बुरा भी कहता हमारे का, उनसे लड़ते हैं भाई, आप लोग लड़ते हैं उनसे, हमारी इज्जत खराब हो रही, कोई हमें परेशान करता है, गली में कहता देखिए कांग्रेसी कार्यकर्ता बैठा, इसकी वजह से हम यहाँ से आ रहे हैं, इसको निपटाओ, कोई भी तकलीफ हो उसको निपटाएगा, हमारी सरकार बन जाती है, इसके लिए सरकार बनाए, अरे इनकी तो लाखों रुपए पेंशन आती है, जब चुनाव होता है ना, उस टाइम तो कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को बैठा का जूता मारते हैं, और जब चुनाव आता है ना, उसका खुद का दो पार्टियां बड़े नेताओं का चांदी का जूता मारते हैं, टिकट लेकर चुनाव लड़ लेते हैं भाई, इनको विरोध कर